ग्वालियर पुलिस ने रतलाम जिले के बीजेपी नेता विवेक पोरवाल को मादक पदार्थों की तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन से ग्वालियर की घाटी गांव पुलिस रतलाम जिले में डेरा डाले हुए थी। जैसे ही विवेक अपने दुकान के बाहर नजर आया, सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे उठाया और कार में डालकर ग्वालियर ले आए। पुलिस विवेक की कॉल डिटेल चेकिंग और अकाउंट्स के आधार पर इस मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिरकार मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में और कौन कौन शामिल है। करीब मोहना थाने ने 1 क्विंटल 90 किलो के आसपास गांजे पकड़ने की कार्रवाई की थी, जिसमें NDPS एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ था। उसमें जो तत्काल 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनके द्वारा एक विवेक पोरवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा पैसे देना बताए गए थे, और चूंकि पुलिस अनुसंधान के दौरान उनको रतलाम से पकड़ के लाई है। किस तरह से उसमें और खुलासे हो सकते हैं बीजेपी नेता, क्योंकि इसने ही ऑर्डर दिया था? अब देखिए, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये नहीं पता है। हमारे पास विवेक पोरवाल का नाम आया है और हम विवेक पोरवाल को पकड़ के लाए हैं। अब वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं ये पुलिस की जानकारी में नहीं है, और नहीं ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन पूछताछ पुलिस कर रही है और अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।